कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ मुन्नार में, केरला में, और मेरे पीछे है टाटा फैक्ट्री, चाय फैक्ट्री, जहाँ पर चाय की पत्ती तैयार होती है। यानी किस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये चाय की खेती हो रही है, और ये ग्रेन आप पत्ती देख रहे हो, किस तरीके से ये पत्ते जो हैं एक पत्ती छोटी छोटी पत्ती के रूप में तैयार होते हैं, वही आज हम लाइव देखने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों यहाँ के व्यू की बात करूँ ना, तो आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, कितना शानदार और कितना सुहाना है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलो अभी हम चलते हैं टाटा चाय फैक्ट्री, जहाँ से हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं किस तरीके से एक जो पत्ता होता है चाय का, वो किस तरीके से पत्ती में तब्दील हो जाता है। तो ये देख सकते हो, यह है रिपल टी, एक ब्रांड है टाटा का, और इसी की हम देखने वाले हैं किस तरीके से ये पत्ती तैयार की जाती है। बरसात पड़ रही है, मौसम देख लीजिए आप। तो ये शोरूम में जहाँ पर जो है चाय बिकती है, यानी जो दाने में तैयार होकर चाय आती है बिकती है, और यहाँ पर जो है चाय पी सकते हो, जो टेस्ट है 10 रुपये का, और अलग अलग रेट हैं इनके चाय के, जो आप देख सकते हो, लेमन टी, ग्रीन टी, सब कुछ मिल जाएगा। बट अभी जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं फैक्ट्री विज़िट करने के लिए। तो ये इसका टाइम है, यानी किस टाइम आप जो फैक्ट्री में विज़िट कर सकते हो, टाइम देख सकते हो। और इधर जो है टिकट हम जो लेंगे, देखते हैं टिकट कितने रुपए का है। बरसात देखिए और मुन्नार का व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। तो अभी हमें जो है यहाँ से टिकट लेना है। तो दोस्तों टिकट ले लिया है, टिकट जो है 100 रुपये का है, और इसका टाइम जो है 1:30 बजे का है। 20 से 25 मिनट हम जो है अंदर विजिट करेंगे, और गाइड जो होगा हमारे लिए वो हिंदी में होगा। तो 1:30 बजे जो है अभी हम अंदर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चाय की पत्ती किस तरह तैयार होती है फैक्ट्री में। आई एम सो एक्साइटेड, यहाँ से इसकी एंट्री है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, और आज पहली बार आप लाइव देखने वाले हो किस तरीके से जो पत्ता है, ये फ्रेश पत्ता देख रहे हैं आप, और लास्ट में ये काली पत्ती के रूप में तैयार हो जाता है। यानी फ्रेश पत्ते से स्टार्ट होगा और बाद में ये किस तरीके से पैक हो जाता है। इसके दोस्तों 4 प्रोसेस है, और 4 प्रोसेस क्या है मैं आपको बारी बारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज जो हम लाइव दिखाने वाले हैं आपको, वो रिपल ब्रांड दिखाने वाले हैं। हालांकि जितने भी ब्रांड होते हैं सबका प्रोसेस एक ही होता है, ये जो ब्रांड है रिपल है, और ये है टाटा ही कंपनी का एक ब्रांड है। दोस्तों आप ये फर्स्ट जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है विदरिंग एरिया। ये जब चाय का पत्ता अंदर आता है इसका पहला प्रोसेस होता है, सेकंड ऊपर देख रहे हैं जहाँ से पानी निकाला जाता है, और ये भी जो CTC देख रहे हैं ये इसका सेकंड का प्रोसेस है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर बाग में, ये चाय की पत्ती का बाग देख रहे हैं। सबसे पहला काम होता है इसके पत्ते को तोड़ना, क्योंकि एक्चुअल में जो पत्ती बनती है ना, इस पत्तों से बनती है, और पत्ते के नीचे डंडी जो होती है वो फाइबर के रूप में होती है, उसका कोई काम नहीं होता। तो एक्चुअल में इसके पत्ते को 2 तरीके से तोड़ा जाता है, या तो आप हाथ से तोड़ सकते हो इसके पत्ते को, यानी लीफ को, या फिर जो है आप मशीन से, जैसे ये लोग तोड़ रहे हैं। और दोस्तों इस खेती में इसका जो पत्ता जो आपने तोड़ा है, ये दोबारा 16 से लेकर 18 दिन के अंदर दोबारा तैयार हो जाता है। अगर मौसम अच्छा है तो 15 दिन में दोबारा पत्ता तैयार हो जाएगा जो आपने काट रखा था, और मौसम खराब है तो 20 दिन में, यानी 15 से लेकर 20 दिन में आप दोबारा इसी पत्ते को काट सकते हो। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो होता है पेमेंट देना। यहाँ पर जो पेमेंट दिया जाता है इनको, पेमेंट 2 मोड में होती है, एक दिन में होती है, एक शाम को 4 बजे होती है। दोस्तों उसके बाद जो पत्ती है वो फैक्ट्री में लाई जाती है। उसके बाद ये पहला प्रोसेस है जिसे बोला जाता है विदरिंग एरिया, ये इसका पहला स्टेप शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, पत्तों की जो नमी है उसको कम करने के लिए ना, यहाँ पर 12 से लेकर 16 घंटे तक इसको जो है गर्म हवा में रखा जाता है। तो जो विदरिंग का जो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि पत्ते में जो मॉइस्चर है, जो अराउंड 80-90% मॉइस्चर होता है, उसको हमको कम करना पड़ता है अप टू 58%। और ये 58% कम करने के लिए पत्ते को हम लोग ट्रफ में डालते हैं, उसको स्प्रेड आउट करते हैं, और उसको थोड़ी देर उसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद उसे हॉट एयर पास करके अराउंड 16-18 घंटे के अंदर उसको मॉइस्चर कम करने का ट्राई करते हैं, और मॉइस्चर कम करने के बाद ही वो नेक्स्ट प्रोसेस रोलिंग में जा सकता है। अच्छा, रोलिंग का क्या पर्पस है, जो लीफ विदर्ड होगी है उसको हम लोग रोलर के अंदर डालते हैं, उसमें एक प्रेशर सीक्वेंस बनाते हैं, और उसको जो सर्कुलर मोशन में जो पत्ता उसको रोल होता रहता है। उसका मेन पर्पस ये है कि जो पत्ते के अंदर जो इनहेरेंट जूसेस हैं वो बाहर आ जाए, वो बाहर पत्ते में कोट हो, और जो टी की जो सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको बाहर मिले उसको। अब रोलिंग के बाद पत्ता रोल हो गया, उसके बाद अगला प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का सिंपल मीनिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ लीफ, कि उसमें जो आप उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हो उस रूम में, सो दैट ये जो ऑक्सीडेशन के बाद जो पत्ते का जो ब्लैकनेस आना चाहिए वो ब्लैकनेस बाहर आ जाता है, और जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं जो हमने रोल करके जो बाहर बनाई है वो फिक्स हो जाती है उसमें।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना दोस्तों, वह है ड्राइंग, यानी उसको सुखाना। यानी अभी भी पत्ती के अंदर जो ना कुछ नमी रहती है, यहाँ पत्ती को सुखाया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, इसका जो रंग भूरा होता है ना, ब्राउन से काला रंग हो जाता है, जो आप देख रहे हैं एक तरफ भूरा रंग है और एक तरफ जो है धीरे धीरे जो है ये ब्लैक होने लगा है। एक ड्रायर है, उस ड्रायर में हम 110 सेंटीग्रेड डिग्री में उसको गर्म करते हैं और ये पत्ता उस ड्रायर के थ्रू जाता है करीब 20 मिनट। और वो ड्रायर के बाद निकलने के बाद उसमें जो मॉइस्चर जितना बड़ा था वो करीब 2-3% तक रह जाता है। ड्राइंग प्रोसेस का मतलब ही है कि इसमें जो नमी रह गई है उसको एक तरीके से कम कर देना, यानी मात्र 2-3% रह जाना मॉइस्चर। अच्छा, अब ड्राइंग के बाद होता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग सिफ्टिंग या उसको ग्रेडिंग बोलते हैं, कि जो पत्ते के साइज के हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में डालते हैं और जो अच्छा अच्छा पत्ता होता है उसके हिसाब से उसको टेक्निकल टर्म्स हैं ग्रेड्स के, उसको सेपरेट करके फिर उसको पैकिंग करते हैं। तो अभी हम जो है ऊपर जा रहे हैं और वहां से आपको थोड़ा लाइव और दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यह ड्राई होता है यानी सूखा जाता है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये निकल भी रहा है, ये देखो, ये दो ग्रेड बनाएगा इसमें, ये देख लो दो ग्रेड। लीफ कम रहेगा, डस्ट ज्यादा रहेगा। अच्छा, इसमें इसमें ना इसी में नीचे नीचे इधर। उसके बाद यहाँ से जब आएगा इधर देख सकते हो, यहाँ पर इसमें जो है मोटा दाना और ये है पतला दाना, ये नेक्स्ट प्रोसेस है इसका। यहाँ मोटा दाना देखो, ये देखो, और ये जो है पतला दाना। ये देख सकते हो यहाँ, ये है सुपर फाइन डस्ट और यहाँ पर आकर इसमें बहुत बारीकी से जो है जो डस्ट होता है वो निकाल लिया जाता है। उसका TR12043 पता है माय बर्ड्स, कभी भी अनओपन नहीं लेने का, ओपन होएगा तो रिजेक्ट, सेलेक्टेड क्लोन्स नहीं। इसी उसी में से कितना ओपन नहीं रहती उतना क्लोन्स का हम लोग TR12043, इसी में वेराइटीज ज्यादा है। और उसी के बाद इधर आप देख सकते हो ये पैकिंग, तो यहाँ पर पैक होता है पर 24 घंटे में 10 टन मेट्रिक टन वन डे। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूं, तो आपने देखा था किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना चाय की खेती, यहां से किस तरीके से इस पत्ती से जो है काली वाली पत्ती तैयार होती है वो हमने प्रोसेस देखा था। और फाइनली वो पैक होने के बाद यहां पर जो है सेल होने के लिए आ जाती है और इधर जो है आप जो चाय पी भी सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज मैंने लाइफ में पहली बार फैक्ट्री के अंदर जो चाय का प्रोसेस है उसको देखा और आपको बताया और काफ़ी मज़ा आया। जस्ट मेरे पीछे जो है ये शोरूम है जहाँ पर चाय जो है सेल होती है, यानी जो चाय तैयार होती है, पीछे आप देख रहे हैं ये चाय ग्रीन होती है और ग्रीन से जो उसका सफ़र होता है दाने में किस तरह का होता है, और यहाँ पर दाने वाली चाय मिलती है साथ ही साथ। और अगर चाय पीना चाहो तो चाय की भी व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छा लगा। टाटा ग्रुप का है ये और यहाँ पर जो खेती होती है सारी लीज पर होती है और उसी में जो रेपल है ये एक ब्रांड है इनका। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो Facebook पे हम पेज हमारा अरबाज ब्लॉग का, उसे आप जो फॉलो कर सकते हो। अगर Facebook पे देख रहे हो तो YouTube पे हमारा चैनल है अरबाज ब्लॉग का, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। Instagram पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फ़ायदा यह है कि 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलता ही मिलता है। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।